यूट्यूब में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। नगर निकाय का चुनाव प्रचार अब समापन की ओर है। ऐसे में राजनीतिक हथकंडे अपनाने में नेतागण कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। लातेहार कांग्रेस जिलाध्यक्ष लाल मनोजनाथ सादेव ने जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में एक महत्वपूर्ण खुलासा करते हुए कहा कि झाबीमो नेता प्रकाश राम भाजपा को चुनाव जिताने में मदद कर रहे हैं। उन्होंने क्रॉस वोटिंग मामले का हवाला देते हुए मतदाताओं से ऐसे राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट नहीं देने की अपील की है। इस मौके पर भाजपा पर उन्होंने जमकर प्रहार किया, साथ ही कहा कि सत्ताधारी दलों के लिए धरना प्रदर्शन करना अशोभनीय है। चल रहा है उसमें इन्होंने पैसे का खेल करके चुनावों को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ऐसा कतई नहीं होने देगी। इनका चाल और चरित्र को नकाब करके बेनकाब करके छोड़ेगी। और मैं आह्वान करता हूं लातेहार की जनता निर्भीक होकर मतदान करेगी और यदि कहीं कोई गड़बड़ियां होंगे तो उसके कांग्रेस पार्टी हर बूथ में हर प्रकाश राम जी के कार्य खिलाफ लातेहार की जनता नहीं पूरे देश की जनता जान गई है। यूपीएफ होल्डर के विधायक होते हुए भी इन्होंने बीजेपी को अपना मत देकर अपने चरित्र को दर्शाया है और पूरे देश को बताया है कि हम जो जनप्रतिनिधि हैं तो हमारे ऊपर जो जिम्मेवारी है उस जिम्मेवारी से हटकर इन्होंने जनता को बेचने का काम किया, इस राज को बेचने का काम किया। राज्यसभा का जब चुनाव हो रहा था तो उन्होंने राज्यसभा में यूपीएफ होल्डर के उम्मीदवार माननीय धीरज प्रसाद साहू को वोट नहीं देकर दूसरे को उन्होंने वोट दिया है, इसलिए उनका चरित्र पूरे लातेहार के पूरे देश में उजागर हुआ है। और इन्होंने केवल पैसे के बल पे मैं उन मतदाताओं को से भी अपील करता हूँ यदि आप प्रकाश राम को यदि कहने पर आप मत देते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि इनडायरेक्ट वे में आप भाजपा को मत देते हैं। और जो नगर पंचायत में मुख्य चीज है होल्डिंग टैक्स, आज हिंदुस्तान में एक कानून है, जब से भाजपा की सरकार आई है इसी राज्य में दो कानून, लातेहार का टैक्स ज्यादा, सिमडेगा का टैक्स क्यों कम, वो भी नगर पंचायत है, लातेहार भी नगर पंचायत। एक जो सरकार बनी है यहाँ भाजपा की उनके पास भी दो, इसके बाद मैं आऊंगा। और आप लोग देखे होंगे पत्रकार बंधु, जिसकी भी सरकार रहती है केंद्र में रहती है या वो राज्य में रहती है धरना प्रदर्शन उनका काम नहीं, उनका काम होता है जनताओं का काम। इससे यही जाहिर होता है कि सरकार हर स्टेज में निरंकुश है, शासन चलाने नहीं जानते हैं, जाति बात करना केवल जानते हैं, धर्म से लोगों को बांटना चाहते हैं, भाई से भाई को बांटना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। जेबीएम का उम्मीदवार को प्रचार कर रहे हैं, जेबीएम का उम्मीदवार को प्रचार वो नहीं करके बीजेपी को मदद कर रहे हैं। इसका जीता जागता प्रमाण जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा था तो उन्होंने अपना मत एनडीएफ होल्डर को देकर जग जाहिर कर दिया कि मैं बीजेपी के समर्थन में हूँ। तो जो यहाँ वो मतदाताओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं वो यहाँ की जनता जान रही है कि एक बीजेपी का इनडायरेक्ट में काम कर रहे हैं और यदि मतदाता इनका इनके कहने पर वोट देते हैं।